सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया बंधु आप लोग हमारे इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के दिन आए, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक आप सभी के माध्यम से मैं देख रहे हैं, सभी को सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ सभी को बार बार प्रणाम। आज हमारी फिल्म प्यार का देवता जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से, ट्रेलर आप लोग देखिए और आप लोगों को देख के मालूम चलेगा कि ये फिल्म कैसा बना है और बहुत जल्द ये सिनेमा हॉल में भी रिलीज होगी। सर, ये जानना चाहेंगे, यामिनी जी के लिए आप पहले पत्थर के सनम बने, अब प्यार के देवता बने, सर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? अब मैं क्या बोलूँ, फिल्म के हिसाब से ऐसा मैं लकी हूँ कि हमें ही ऐसा टाइटल मिलता है, कभी पत्थर के सनम मिलता है, कभी दिलवर मिलता है, कभी जान मिलता है और आज प्यार का देवता मिला। तो जितने भी रोमांटिक टाइटल हैं या जितना हम पे शूट करता है, डायरेक्टर लोग चूज करके रखे हैं कि कल्लू भाई को लेना है तो ये टाइटल के साथ बनाना है। तो इस पिक्चर फिल्म का बड़े लोग बताएंगे आपका क्या किरदार है? ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं फैसल सर हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर संजय भैया बगल में बैठे हैं और इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाए हैं समर चतुर्वेदी जी, ये बगल में बैठे हैं। ये फिल्म टाइटल है प्यार का देवता। सारा कहानी तो नहीं बताएंगे, सारा स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये बताएंगे कि सस्पेंस है और सस्पेंस स्टोरी है, कुछ अलग है। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं तो बोलते हैं हम कुछ अलग बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा। ऐसे लॉकडाउन के बाद से अधिकतर 70% फिल्में चाहे मैंने भी की है या बहुत सारी फिल्में जो बन रही है पारिवारिक फिल्में बन रही है, तो लोग एक्शन भूल गए थे। तो फैसल सर ने बोला कि ये हमारी जो फिल्म है इसमें कुल 5 या 6 एक्शन है और एक्शन के लिए दिनेश यादव जो फाइट मास्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत कराई। और मतलब जैसा कि आपने बोला साउथ, तो हम तो उनका टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी भोजपुरी जितने भी हैं हम लोग अच्छा प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। सर, जो भोजपुरी का जो पहला हाइट दौड़ था, जो अभी का जो नया दौड़ है, ये दोनों में क्या डिफरेंस देख लिया? भोजपुरी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है, एक अच्छा लेवल पर आई है। आज लॉकडाउन के वजह से थोड़ा बहुत थिएटर में हम लोग को जाने में परेशानी हो रही है। अभी कल ही हमारी 5 तारीख को शुभ घड़िया फिल्म रिलीज हो रही है पूरे बिहार, यूपी, झारखंड एक साथ, 2 वीक बाद मुंबई में भी रिलीज होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जरूर जाइएगा क्योंकि वो फिल्म बहुत प्यारी बनी है। तो थिएटर में थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्शक कम आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जितना भोजपुरी भाषा से, जितना भोजपुरी फिल्मों से, जितना भोजपुरी गानों से लोग प्यार करते हैं, हमें उम्मीद है कि पहले की तरह फिर से दर्शक आएंगे। बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी बहुत अच्छा ग्रोथ की है। सर, मैं फिर टेलर के ऊपर फिर से आता हूँ और मैं टेलर से ये बता रहा हूँ कि सर आपका लुक बहुत शानदार है, जो कोट पहने हैं, जो स्टाइल है, मैं उस बारे में जानना भी चाहूँगा कि ये लुक जो है किस प्रकार से चेंज हुआ था, कितना वर्क हुआ? ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का था, फैसल सर। इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनर था कि नहीं था? था, होगा भी, लेकिन फैसल सर ही किए थे। जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म का, उनको बहुत शौक था। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में हम लोग ऐसा स्टाइलिश ड्रेस पहने तो अच्छे नहीं लगेंगे, एक से बढ़ के एक हीरो हैं। लेकिन हमको जब उन्होंने पहनाया, जब ट्रायल हुआ फिल्म के शूटिंग के एक दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गया था और ड्रेस का ट्रायल हुआ था। और इसमें जो करेक्टर है मेरा एक इंजीनियर का करेक्टर है और बाकी बदले की भावना है इसमें। मैंने बताया सस्पेंस है, जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सिनेमा का क्या उद्देश्य है। तो एक अच्छा लुक उन्होंने दिया। आज खुद सुबह मेरे पापा जी बोल रहे थे कि तुम भी कोट पैंट में अच्छा लगते हो। उन्होंने बोला कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम कोट पैंट में अच्छा लगते हो। ऐसा मतलब कभी कभी बोल रहे थे कि हमने के शादी ब्याह में लोग सज धज के इसे जाला। तो उन्होंने जब बोला तो हमको भी लगा नहीं चलो अच्छी बात है। मेरे पापा जी थोड़ा गांवटी है, एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनका यह डायलॉग रहा कि कोट पैंट में तुम अच्छा लगा। सर, रियल लाइफ के अंदर मैंने देखा आपने और यामिनी जी ने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म किए हैं और बहुत सारी अच्छी जोड़ी आपकी लग रही है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यामिनी जी के रियल में कोई है तो हाँ, तो अच्छी बात है ना, उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, हम लोग एकदम शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और क्या बोल सकते हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, इस इंडस्ट्री में हमारी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड है। अभी निधि जी की शादी हो गई, वो भी हमारी बेस्ट फ्रेंड थी,
अभी भैया से शादी हुई तो वो भाभी जी बन गई। तो ये अच्छी बात है कि वो कोई भैया से शादी नहीं कर रही हूँ, वो कहीं इधर कोई उनका जो भी हो उनसे शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है जो भी, अभी मैं भी पूरा जानकारी नहीं है मेरे पास। अच्छी बात है, धीरे धीरे सारे लोग को सेट हो जाना चाहिए, ये एक उम्र होता है, उम्र के हिसाब से सभी लोग शादी विवाह कर रहे हैं। अच्छी बात सर, उम्र की बात है तो आप शादी कब कर रहे हैं, सब का दिल कब टूटने वाला है? मेरा भी सस्पेंस है, प्यार के देवता जैसे मेरा भी सस्पेंस है। मैं होगा तो सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा, आप लोगों को कैसे भूल जाऊंगा। लेकिन कहाँ है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताएंगे, हम तो यहीं पे थे। पहले रिलीज होने वाली थी 3 तारीख को ये ट्रेलर, बट मेरा शूट था शादी मुबारक फिल्म का, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं मिल पाऊंगा। और थैंक यू बोलना चाहेंगे संजय भूषण पटियाला जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इनवाइट किया। और थैंक यू योगेश सर, जिन्होंने अपना इतना सारा योगदान प्यार के देवता के लिए किया। IFM म्यूजिक वर्ल्ड जिससे मैं जुड़ा हूँ, और अभी से नहीं 1.5 साल से जुड़ा हूँ, और बहुत जल्द इससे भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। निर्देशक साहब से बात करते हैं। निर्माता कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करना कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत दिलो तमन्ने से इस फिल्म को बनाया है, और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि ये फिल्म जो कुछ अलग ही मुकाम हासिल करेगी, और ख़ास करके जैसे आप लोगों ने बोला कि कोट पैंट पहने हुए हैं, ये मेरे को हर जगह से फ़ोन आ रहा है कि कल्लू का आपने अलग ही लुक दे दिया है, तो ये अपने आप में सबसे अच्छी बात है कि कोई मतलब उस एंगल से हट के दूसरे एंगल में लोग खुद ही जब फ़ोन कर रहे हैं और दूसरे से पूछ रहे हैं या दूसरे से गॉसिप बातचीत कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी फिल्मों के जितने भी हमारे जो डायरेक्टर हैं M. फैसल रियाज सर, उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत किया है, और हीरोइन जो है अपनी यामिनी सिंह, उन्होंने भी मतलब हर कलाकार जो भी इससे जुड़े हुए हैं सब ने मेहनत किया है, यहाँ तक कि समर जी जो यहाँ अभी आपके सामने ही हैं, इनके साथ वहाँ घटना भी छोटा मोटा हो गया था, लेकिन साईं की कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं इससे खुश हूँ कि हमारे कलाकार सही हैं, फिल्में तो बनती रहे। इसी फिल्म में ये पीछे से मतलब इनके पीछे चोट लगी थी, इस एक सीन था। कल्लू जी के साथ कंटिन्यू आपने 2 फिल्में बना दिया है, तो क्या तीसरी नहीं बनाए? बताइए आगे प्लान है। बिल्कुल है, हमने तो हमने जब इनसे पहला फिल्म जब ये हुआ था तो हमने उसी वक्त जुबान दिया था, वचन दिया था, जिसे हम लोग आपस में ये तो ये बोले अरे तो आप तो मेरे गाँव से हैं, मैं बोला गाँव से इसके लिए तो आप पकड़ा है मैंने। तो उसी दिन हमने इनको बोला कि आपके साथ हम 3 फिल्में ज़रूर करेंगे, जो कि 2 ऑलरेडी हो चुकी, तीसरे का नंबर है, उसका भी न्यूज हम बहुत जल्दी अभी नहीं बोल सकते, कुछ होते हैं पर्दे के पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसका बहुत जल्दी आप लोग के सामने हम अनाउंस करेंगे। समर भैया क्या हो गया था थोड़ा बताएं। कुछ नहीं, एक सीन हम लोग कर रहे थे, और सीन करके गाड़ी ड्राइव करके मुझे आना था, और मुझे और कल्लू जी दोनों को उतर के जाना था, और शॉर्ट हो गया ओके, लेकिन फैसल भाई बोले कि एक टेक और लेते हैं, तो हम और कल्लू जी दोनों उतरे, और मैं कुछ सोचता हुआ जा रहा था, कल्लू जी दूसरी तरफ से उधर से उतरे, मैं ड्राइवर सीट से उतरा, जो प्रोडक्शन में जो कभी नहीं आते ड्राइविंग करने वो उस दिन आके बैठ गए, और उन्होंने रिवर्स मारी, और रिवर्स में पूरी इनोवा ने मुझे पीछे से डैश किया यहाँ पे, और मैं बस गनीमत ये थी कि मैं गिरा नहीं, मैं जंप करके तकरीबन 3-4 फीट जंप करके खड़ा हो गया, तब तक कल्लू जी दौड़ के आए, आशु जो कल्लू जी के बड़े भाई हैं वो दौड़ के आ गए, देव थे वहीं, सब इकट्ठे दौड़ के आए, तो शुरू के जो दिन में तारे दिख जाना होता है वो शुरू के 1-2 मिनट तक तो था, फिर मुझे एकदम जाके लिटाया, हल्दी वाला दूध पिया, आके वो सीन कंप्लीट किया, फिर थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद जाके तीसरे दिन मुझे समझ में आया कि अब चोट गहरी लग गई है, तो वो थोड़ा सा हो गया था, वो चल पाया। प्यार का देवता रिलीज पर है, आप दोनों की जोड़ी मैंने काफी बार देखी है, आप लाइव में एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं, यहाँ भी मैंने देखा ही नहीं कि जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, कल्लू जी आप कुछ मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपने नहीं है, जब पीछे से टूके तो मैंने भी बचाया था इनको। पीछे से क्या हुए थे? पीछे से इनको जब गाड़ी लगी थी, पीछे से ठोकाई रन भोजपुरी में, देखिए एक आला के बहुत सारा एक अर्थ के बहुत अर्थ निकाल जाना, मैंने चिल्लाया भी, ये दूसरे जोन में थे, अब क्या बोले, थोड़ी सी पास्ट में चले गए थे। अच्छा मुझे याद है एक बार आप भी ठोक गए थे,
हाँ नहीं ठुका नहीं था, मैं जाकर ठोक दिया था। अच्छा, आपने जाकर ठोका था। हाँ, तो वो भी बता दीजिए कि आप वो क्या हुआ था। मैं रेस फिल्म कर रहा था। ये अपने पास्ट के जोन में था। नहीं, नहीं, मैं पास्ट में नहीं था। नहीं होता है कि सेट पे आदमी देखिए, हम तो कभी मस्ती मजाक अपने गांव अपने घर तो रहे नहीं, बचपन से इसी लाइन में आ गए। तो बाइक लिया था और डायरेक्टर साहब ने बोला कि नहीं डुप्लीकेट करेगा तुम, थोड़ा सा बस नहीं होता है कि हल्का सा गाड़ी आगे बढ़ा दो। मेरे में अंदर चुल मची थी, मैं भी लिया और ना रोल हो रहा था ना कुछ था, मैं ऐसे ही चला रहा था। विक्रांत भैया थे और हम थे और फिल्म का नाम रेस था। अचानक चलाया और होता है ना, जब होने को होता है तो भगवान तो अपने ऊपर लेते नहीं है। वो रोड के बीच में एक दरार थी, उसी पे बाइक फिसला और आँखों के सामने अंधेला आ गया। भाग मनाइए और आप लोग का आशीर्वाद है कि इधर साइड खाई थी और इधर पत्थर थे, जाके मैंने पत्थर में हल्का सा बाइक को बाइक से थोड़ी सी लग गई, तो आधे आधे फेस मेरी तो चली गई थी। मैं तो डिप्रेशन में चला गया था 1.5-2 महीना, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद है कि ठीक ठाक है। उसके बाद आपने बाइक चलानी बंद कर दी? नहीं, उसके बाद हमारे पिताजी बोलते हैं कि साइकिल हो गए चाहे बाइक, जब तक 2-3 बार गिरबा ना तब तक चलावे आई ना। तो डरना नहीं चाहिए, जब हम गोली खा के गायकी नहीं छोड़े तो बाइक से गिर के कैसे बाइक चलाना छोड़े। अच्छा, 2-3 बार अभी आप और इंतजार में हैं। 2 बार हम गिरे हैं। कैसे? पहले बाइक से। इसके पहले बब्बर फिल्म में गिरे थे, स्टाइल दिखा रहे थे लखनऊ में, अपाची नहीं नहीं अपाची आई थी। आगे ब्रेक मारने का बहुत शौक था, कहीं सीखे तो है नहीं, फिल्म में ही सीखे हैं, आगे मारे फिसल गए गिर गए। तो होते रहता है, शूटिंग में थोड़ा बहुत तो रिस्क है, लेकिन वही है कि जब दर्शकों के बीच आता है फिल्म और दर्शक जब प्यार देते हैं तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है। पहले तो मैं बोलूंगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के हिस्सा नहीं हूँ, ये देन है संजय भूषण का, बट स्टिल आपको मेरी बेस्ट विशेस की जरूरत नहीं है। स्टिल कल्लू जी, मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी आपके प्रोजेक्ट के लिए, प्रोड्यूसर को देना चाहूँगी, समर जी को देना चाहूँगी, आप ऐसे ही और अच्छे अच्छे काम करते रहिए। आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा अभी मतलब गानों से दूर हुई है और एक्टिंग में चली गई है। गाने से दूर कहाँ हुई, निकाल दिए गानों से, सीधा सीधा बोलो ना, हो कहाँ रहेगा एकदम सा। जितना बचा कुछ ज्यादा सब हीरोइनों ने नाच के खत्म कर लिया, उनका भी भड़ास रहता ना भाई कि हमको भी तड़कता भड़कता करना है, उन लोगों ने कर लिया, जो बाकी जो कसर था वो लॉकडाउन ने पूरा कर लिया। अब भैया माँ बन रहे बिन भैया आगे पूछो। अब इतना बड़े बड़े बच्चे डायरेक्ट एडॉप्शन में आ रहे हैं मेरे। आपके साथ कल्लू जी बैठे हैं, इतने गाने बनाते हैं, तो आज मीडिया भी हम भी हैं। यार सीधी सी बात है, जब मैं सामने कोई भी हीरो की, अगर मैं यश मिश्रा की मदर का कैरेक्टर करूंगी तो कहां से उनको मेरे अंदर हीरोइन फील आएगा। मतलब थोड़ा तो लॉजिकल बात कीजिए। और मैं बाकी हीरोइनों के जैसे तो हूँ नहीं, 35 क्रॉस कर लिया, ओह माय गॉड आई एम स्टिल हीरोइन, ऐसे तो नहीं हो ना भाई। ठीक है, इट्स ओके, कर रही हूँ। मैं तो बोलूंगी माँ का कैरेक्टर ही दे दो, भाभी का दे दो, कर लूंगी। ऐसा नहीं, भाभियों का भी गीत अच्छा अच्छा आता है भोजपुरी में। तुम बुलाते कहाँ हैं? ऐसा नहीं है, ये तो आप भाभी के ऊपर एक से बढ़ के एक गाने हिट हुए हैं। बोल जी हमसे हंस से बोले बत्तिया के परी, मैंने भी बचपन में लेके भौजी के देवरे फरार हो गया। ऐसा थोड़ा ना भोजपुरी में भाभी के बचपन में अभी आपने जब बात बोली है तो मीडिया के सामने, ऐसा नहीं है कि आप भाभी लगती हैं, आप भाभी नहीं है ना ही माँ है। प्रेजेंट करेंगे तो आप भी हीरो लगाने को तो लोगों ने लगा ही लिया। भाभी होती है, यहाँ की माँ ही अलग है, आ जाओ भाभी माँ बन। यहाँ पे समर जी ने पीछे से लगवाया, हम तो ऐसे ही लगा के बैठे। ये एक्चुअली वाकई में बहुत सीरियस मैटर होता जा रहा है, एक्ट्रेस है, काम नहीं मिल रहा है, और गानों में क्यों नहीं सीनियर्स को और जो पुराने उन लोगों को आप शामिल करते हैं, नए नए चेहरे की तलाश हर गाने में अलग अलग, ऐसा क्यों? देखिए पहले क्या होता था, जब आप एल्बम की बात बोले तो मैं बोलना चाहूँगा, पहले क्या होता था कि ऑडियो वीडियो सिंगर करते थे, ऑडियो वीडियो का जिम्मा मिलता था हम लोग को, हम ऑडियो वीडियो करते थे अपने हिसाब से, ऑडियो वीडियो करते थे। अब जितने सारे कंपनी वाले हैं, जब से थोड़ा यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो हाई लेवल के वीडियो लोग शूट करना स्टार्ट किए हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि कितना लोग हाई लेवल करते हैं, लेकिन हाँ हम जो करते हैं एक अच्छा लेवल का करते हैं, मैं हल्ला भी नहीं करता हूँ, हम करके चुपचाप अपना। जैसे सर ने भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया था, बचपन का प्यार मेरा बचपन तक चलेगा, दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया था। मैं इनके सामने हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा, पहली बार भोजपुरी में कोर्ट आया था, कोर्ट के अंदर एक फ़नी कॉमेडी सॉन्ग था जिसमें जज भी थे हमारे जैसे मुजरिम भी थे प्रेमी, और जितने सारे मतलब कोर्ट में जितने लोग रहते हैं सबका कुछ ना कुछ काम था।
तो उन्होंने कुछ अलग किया। वैसे सारी कंपनी वाले अब वीडियो खुद करा रहे हैं, तो हम लोगों को बस ऑडियो का जिम्मा मिलता है, और कंपनी वाले जिसको बोलते हैं हम लोग आते हैं, उन लोग बोलते हैं कि नया चेहरा चाहिए, न्यू फेस चाहिए, तो यही यही कारण है। ये हमारे संजय भैया बताएंगे, बहुत जल्द रिलीज होगा इसी महीने में, देखते हैं, अपना कोशिश है कि जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि लोगों में जो उत्सुकता है देखने के लिए, दर्शकों में जो उत्सुकता है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम अभी यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सके किस स्पेसिफिक डेट को रहेगा, ये मैं बोलना अभी इसी मंथ में होगा, इसी मंथ में होगा, तो अगले मंथ में करीब। हाँ, अभी तो फेस्टिव सीजन सब शुरू हो गए, सबकी शुभकामनाएँ अपने साथ हैं, बहुत जल्दी होगा। कल्लू जी, एक गाना है जो काफ़ी चल रहा है, जो टेलर है उसने कहा, ये गाना जो है अच्छा चल रहा है ट्रेलर का, शुरू में जो फर्स्ट गाना है वो अच्छा चल रहा है, एक अंतरा हो जाए दर्शकों के लिए। गाने तो बहुत सारे, लेकिन जो फर्स्ट वाला गाना है ऐसा होगा, हे जानता हर चूमा लगता नमकीन, अटेस्ट करते ही हमर बन जाला दिन, यही दो लाइन उसमें भी, और दो लाइन मुझे याद और अभी सावन चल रहा है, तो सावन का मैं आप बोलेगा तो एक प्यारा सा भजन मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। वो जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, वो जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, पूरा धरती नुनाना मगन हो जाला, जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, पूरा धरती भजन से मगन हो जाला, मेघ बरसे लगे जैसे बरसे सावन, उत्तम पावन महीना सावन हो जाला, जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, पूरा धरती भजन में मगन हो जाला। तो जब बाबा का डमरू बजता है तो एक महीना मस्त रहता है। हर हर शंभू, सभी को हर महादेव। कोई गलत चुन है मतलब मैं अच्छा नहीं लगता हूँ कोई मुझे। और सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उनको क्यों कीड़ी है अंदर, हमारे बर्थडे के दिन जितनी सारे हीरो ने थी बहुत अच्छा अच्छा कैप्शन लिखी थी, तो उस दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो सब लोग दोस्त मानते हैं। और बहन जब हमारे किस्मत में नहीं थी, बहने के मार्फत देखते देखते हमके चार हो गए निजा चार भाई हम लोग, हम पापा जी से, पापा जी हमारे शुरू से, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं, तो हम पैसा का ज़्यादा बोलेंगे तो संजय भूषण जी इनकम टैक्स वाले को फ़ोन कर देते हैं कभी कभी। रॉन्ग इंडस्ट्री में किसी बंधवाने वाले नहीं, इंडस्ट्री में क्या, नहीं इंडस्ट्री में क्या है, मैं बंधवा लूँ, मैं निभा लूँगा, शायद हूँ ना निभाए तो मेरा इंडस्ट्री में सारे लोग दोस्त हैं। फ्रेंडशिप डे के दिन बोलेगा तो जितना, कोई नहीं आपके हैं, सिस्टर कोई नहीं है, सिस्टर हम लोग केवल चार भाई हैं, मैंने बोला है ना कि बहन देखते देखते चार लोग हो गए हैं लेकिन हाँ हम लोग का मतलब ये एक सपना है, जो मेरे भैया जी आशु भैया, उनके भी जब बेटा है बेटी होने वाले तो हम लोग चाहते थे कि बेटी पैदा हो, लेकिन भगवान बेटा है दिए रुद्र बाबू को, तो बबुआ बहन खोजा था, देखिए आंसू भैया कब आगे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री में तो रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कौन सा कैरेक्टर मिल जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सवाल मेरे दोस्त ने किया है, ये बताइए कि आपकी कोई बहन नहीं बनना चाहता, ठीक है, लेकिन आप बनाना चाहेंगे तो कोई एक नाम बताएंगे? मैंने सोचा ही नहीं भाई बनने, भाई बनने के लिए मैं सोचा अरे यार इतना सुंदर चेहरा लेके भाई बनने थोड़ा ना होगा। हाँ ऐसा नहीं है, नहीं मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि बहन नहीं है, मुँह बोली बहन तो बहुत सारी हैं, जिसको कोई भी आती है, जैसे हम हमारा हर साल, इस साल भी हम देवघर जा रहे हैं, 7 तारीख को मैं देवघर में जा रहा हूँ, 7, 8, 9 मैं 3-4 दिन देवघर में रहता हूँ बाबा बैजनाथ जी के दरबार में, लगातार 9 साल 10 साल से, ये 2 साल लॉकडाउन की वजह से नहीं गए, तो वहाँ पे एक दो बार ऐसा हुआ था कि उस समय रक्षाबंधन था, जैसे अभी भी रक्षाबंधन है, तो कुछ कंवरियों बम वहाँ से राखी खरीद के और मुझे रक्षा मतलब राखी बांधी थी, तो ऐसा नहीं है कि बहन मैं नहीं बांधा चाहता, बहन उसी को बनाऊँगा जिसको मैं निभा पाऊँ, ये जो रिश्ता है ना भाई बहन का बहुत पवित्र रिश्ता है, तो किसी को बहन बोल के मैं नहीं चाहता कि बहन के रिश्ते को ऊपर डाल। चलिए इंडस्ट्री छोड़ते हैं, लेकिन कोई तो होगा जो आपको नहीं, मेरे बड़े पापा जी की 3 बेटियाँ हैं, वो हमारी दीदी हैं, फुआ की लड़की हूँ मेरी दीदी, ऐसा नहीं है थोड़ा ना, मेरे पास बहुत बहन इंडस्ट्री में, बहन इंडस्ट्री में ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई बहन है,
गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अरविंद अकेला अकेला ही रह गया। ऐसा नहीं है कि मेरा भी दिल नहीं लगा होगा या कोई किसी के प्रति नहीं, मैं भी मतलब होता ना जो, लेकिन अभी तक कोई नहीं है ना गर्ल जाने का आजादी 15 का। अरे ये भाई साहब को जो सवाल होता है ना, हंसुए के बिना खुशी का कितना। हाँ, अरविंद अकेला अभी तक अकेला है, सिंगल हूँ। अब देखते हैं पापा मम्मी जिस दिन चाहते उस दिन, लेकिन नजदीक हो सकता है, नजदीक में ही है। अब एक हिंट दे दिया कि अगले साल तक कन्फर्म है। कौन हम तो आपको पापा के साथ देखे भी नहीं है, कैसे डिस्कस कर लिया आपके साथ। संजय भूषण जी बोलते तो मैं विश्वास कर लेता है। नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी पापा जी पहला गाना हम ही थे साथ किया था में। मम्मी पापा जी ढूंढ रहे हैं और अगले साल कंफर्म हो जाएगा। अब तो गोल्ड बैंड में आपको देखकर पिताजी बड़े खुश भी हैं। हां अगले साल तक कंफर्म, अगला साल कंफर्म। मेरे एक सवाल है भाई, आपका जो नाम है कल्लू, मेरा होना चाहिए था। कल्लू बचपन में मैं बहुत काला था, जब पैदा देखो हंसते जहाँ बोलते वहाँ। जब मैं पैदा हुआ था मतलब अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन हमने के भोजपुरी में कहा जाता सातवां, सातवें महीने में जो बच्चा पैदा हुआ, प्री मेच्योर बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो सात ही महीने मेरे को बहुत जल्दी गाना गाना था ना, तो मैं आ गया बहुत जल्दी से। 9 साल में गाना गाना भी स्टार्ट कर दिया। तो बहुत काला था, आंखें लाल लाल थी, और ऐसा नहीं था कि मैं मतलब मम्मी पापा लगता था कि मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने जीने के लिए हमने के तरफ जिए कहा जब पात्र होकर के पहलवान नाम रखा जाला, जो बुर्वक रे होकर के मुखिया कहा जाला, तो हमारा नाम कल्लू रखा गया। और मैं वाकई बहुत काला था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गया समय के साथ साथ मैं गोरा और क्रीम भी लगाया हूँ, ऐसा नहीं। अरे अब नहीं लगाता हूँ, पहले बचपना था, लगा लेता था गोरा हो जाता था। फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स मारता था गोरा हो जाता था, गोरा दिखने के लिए। लेकिन हम जैसे ही समझ आए कि नहीं लड़कियों का है, तो लड़कों में भी आता है एंड लवली, ये लगाता है, लेकिन अभी चेंज कर दिया। अब ब्रांडिंग का बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा है, किसी ने आपको बोला है काला, एक काला, एक गोरा, आपको बुरा लगा? नहीं, हम नहीं, हमको ये अगर आप बोलेंगे तो हम तो रोज ही इसके शिकार होते हैं, जहां भी जाते हैं शोक करने, छोटे छोटे बच्चे बताओ देखो कल्लू आ गए। मतलब पहले जब छोटे थे तब तो लगता था कि नहीं चलो भाई हमारे इसके, हमारे जो फैंस जो चलिए बड़े लोग बोलते हैं चलो कल्लू या अरविंद, अरविंद तो गलती से कोई नहीं बोलता है, गलती से अरविंद कोई नहीं बोलता है। छोटे छोटे बच्चे सो एकदम ऐसे शो में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं फिल्म के प्रमोशन में या मुंबई में भी जाते हैं, तो ऑटो ले बोलते हैं का हो जगह कल्लू आ जाता है। तो वो एक प्यार है, इसको हम प्यार, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, तो अगर निरहुआ जी बोले कि निरहुआ लोग बोलते हैं तो वो नहीं, हम लोग भोजपुरी में यही प्यार है। हाँ लेकिन हाँ, हर लोग बोलते तो अच्छा नहीं लगता है। अकेला का टाइटल कैसे पड़ा? अकेला अब क्या बोले, दिया या आपने रखा? नहीं, जैसे भोजपुरी में एक से एक यूनिक नाम आपको मिलेंगे, ये करंट, ये बिजुरिया, ये मतलब अजीब अजीब टाइप के। तो हमारे पिताजी बोले कुछ यूनिक रखा जाए, और हम लोग शुरू से ही कास्टिज्म पे विश्वास नहीं करते, हम चाहते हैं कि जो कलाकार होते हैं या पब्लिक के लिए जो काम करते हैं उसकी कोई जाति नहीं होती। तो मेरे पिताजी ने बोला कि टाइटल हाइड करते हैं, क्योंकि हमारा गीत जो है हिंदू भी सुनते हैं, मुस्लिम भी सुनते हैं, यादव भी सुनते हैं, बाबू साहब ब्राह्मण सब सुनते हैं। तो इसीलिए पापा जी का ये दिमाग था कि टाइटल हाइड करते हैं, और उनके एक दोस्त थे उनका टाइटल था अकेला, उनका टाइटल हमने चोरी कर लिया। गाना चोरी नहीं किया, टाइटल चोरी किए। चलिए थैंक यू। एक संदेश 15 अगस्त के लिए जी, हर एक घर में मेरे मंडे के साथ तो क्या आपने डीपी में अभी तक? नहीं मैंने अभी तक, लेकिन अभी करने वाला था, अभी कर लूँगा। आपने एक अच्छा ये बताया, और सभी भाई बहनों के पवित्र रिश्ता जो होता है, भाई बहनों के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं, जो हमारे लिए हम लोग अगर चैन से सोते हैं तो वो लोग जगते हैं, उनको भी यहीं से नमस्कार प्रणाम सलाम है। और आप लोग ऐसे ही देश का सेवा कीजिए, और हम लोग अपने गाने अपने फिल्म के माध्यम से, आप सभी बॉर्डर पर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन एक इंटरटेनमेंट ही एक ऐसा साधन है जिसे देख के मन बहलाया जाता है। तो हम लोग आपके लिए भी मेहनत करेंगे, और एक से बढ़ के एक गीत और देशभक्ति गीत भी लेके आते रहेंगे। कोई देशभक्ति गाना है जो आप डेडिकेट करेंगे आज 15 अगस्त पे? भाई साहब थका दिया। हाँ नहीं है, ऐसे होते हैं, परेशानी होती है। नहीं, एक एक ऐसा गीत है जो हम चाहेंगे कि सारे लोग मिलके गाएं, जो सभी लोग सुने हैं, हम चाहेंगे आप लोग भी साथ दें। हर कर्म अपना करे
पहली बार मिले थे प्यार तो होना ही था, फिल्म का नाम था उस समय। ये सेट पे हमसे मिले थे ना भैया, ये जब हमको रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पे, तो हमने इनको देखा, हम बोले प्रोड्यूसर, इनको देख के कहने लगता है प्रोड्यूसर, इनके पास इतना पैसा होगा, लेकिन बहुत पैसा है, शरीर पे मत जाइएगा, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है। दो फिल्म हमारी बना चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाए। तो ये हमारे आरा के हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बक्सर के हैं, आरा के हैं चाहे बनारस के, इसलिए बनाते हैं। इनको हमारा काम अच्छा लगता है तो ही बनाते होंगे, और डायरेक्टर की डिमांड रहती है कि नहीं कल्लू भाई को लेकर बना, और भगवान करे हम लोग हैट्रिक मार रहे हैं। हैट्रिक नहीं, तीन पे ना रुके, तीन में एक जीरो जुड़ जाए, 30 तक हम लोग 30 या 300 तक फिल्में बनाएं। थैंक यू, थैंक यू बहुत।